और चलिए अब बात करते हैं चीन और ताइवान की। ताइवान पर चीन इतना बौखलाया हुआ है कि वो ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए जापान से लेकर अमेरिका तक से युद्ध करने को तैयार बैठा है। आपको अमेरिका से आई वो सीक्रेट रिपोर्ट भी दिखाएंगे जिसने बीजिंग की वॉर डायरी खोल दी है। तो बीजिंग की वॉर डायरी का पर्दाफाश हुआ है, ताइवान पर परमाणु हमला कर सकता है चीन। चीन ताइवान पर हमला कब करेगा, कैसे करेगा, पहला हमला कहां करेगा, किस हथियार से करेगा, दुनिया के थिंक टैंक इन सवालों के जवाब तलाशने में लगे हैं क्योंकि चीन ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने पर अड़ा है। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। युद्ध के लिए ताइवान के इर्द गिर्द जमा है और ताइवान ने भी चीन को टारगेट करके अपने तोप तान लिए हैं। चीन की सेना ने भले ही अपने मिलिट्री ड्रिल को रोक दिया है लेकिन ताइवान के आसपास गश्त करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। चीन की आक्रामकता को देखते हुए वॉशिंगटन में अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों के एक ग्रुप ने चीन के अटैक प्लान पर बड़ी रिसर्च की है। चीन का युद्ध करने वाला मॉडल कैसे होगा, सबसे पहला हमला कहां होगा, इन सब बातों के बीच चीन के गश्ती प्लेन ने ताइवान के साथ युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है क्योंकि चीन ने अपनी मिलिट्री ड्रिल और उसके बाद श्वेत पत्र में ताइवान को ताकत के दम पर अपने नक्शे में मिलाने की बात कर युद्ध के खतरे को फिर जिंदा कर दिया है। Taiwan is China's Taiwan. Why would some people trample on China's red line on the Taiwan question while emphasizing sovereignty and the territorial integrity on the Ukraine issue? This is a typical double standard. पूरी दुनिया में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या चीन वाकई परमाणु हमला कर देगा? अगर करना होगा तो शी जिनपिंग फैसला कितनी देर में लेंगे? और उन्होंने बटन दबाने का फैसला कर लिया तो चीन का पहला टारगेट कौन होगा? क्या चीन का निशाना अमेरिका होगा, क्या चीन का निशाना जापान होगा, या फिर ताइवान पर चीन का पहला परमाणु बम गिरेगा? 成功完成各项任务，有效检验了部队一体化、联合作战能力。战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整。 अमेरिका के एक थिंक टैंक की रिपोर्ट आपको हैरान कर सकती है क्योंकि इसने चीन को लेकर ऐसी बातें बताई हैं जिसकी आहट अब बहुत साफ साफ सुनाई देने लगी है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में CSIS यानी US सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट पर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ये रिपोर्ट ऐसे हालात पर वॉर गेम एक्सरसाइज की है जिसमें चीन और ताइवान को लेकर युद्ध को आगे बढ़ाया गया है। इसमें चीन के हमलों, चीन के खिलाफ काउंटर अटैक और युद्ध के नतीजों पर बहुत डिटेल में बात की गई है। यानी अगर दक्षिण चीन सागर या पूर्वी चीन सागर में चीन युद्ध की शुरुआत करता है तो उसकी नेवी का मुकाबला किससे होगा, हमले किसके खिलाफ ज्यादा होंगे और क्या इसमें परमाणु अटैक की भी नौबत आ सकती है? US सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज इस सिम्युलेटेड वॉर गेम के लिए दो टीम बनाई, एक है रेड टीम और दूसरी ब्लू टीम। रेड टीम हमला करने वाला पक्ष होता है जबकि ब्लू टीम डिफेंसिव रोल में रहता है, या कहें कि जिसके खिलाफ रेड टीम ने युद्ध छेड़ा है। US सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने भी अपनी वॉर गेमिंग को हर पक्ष की ताकत और उसकी क्षमता के आधार पर लड़ने के लिए दो टीम बनाई। इनमें
पूर्व मिलिट्री कमांडर से लेकर चीन, जापान और ताइवान के एक्सपर्ट शामिल हुए। मेज पर प्रशांत महासागर का बड़ा सा नक्शा रखा गया। चीन और ताइवान के साथ अमेरिकी अड्डों को नोट किया गया। रेड टीम, जिसमें चीन की तरफ से हमला करने की तमाम संभावनाओं को समझने वाले एक्सपर्ट थे। ब्लू टीम, जिसमें अमेरिका, जापान और ताइवान की तरफ चीन को काउंटर करने वाली फोर्स के विशेषज्ञ थे। इन दोनों टीम के साथ इस युद्ध को सिमुलेट करने, उसमें फैसले लेने और उसके काउंटर अटैक को समझने के लिए CSIS ने इस वॉर गेमिंग को शुरू किया और उसके जो नतीजे आए वो बहुत डराने वाले हैं।